नमस्कार, क्राइम तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका शर्मा, यू आर वाचिंग वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। तो पहली बड़ी खबर यूक्रेन से आई है, जहां पर रशिया और यूक्रेन के बीच ये हमले थमने का नाम नहीं ले रहे, ये लड़ाई रुक नहीं रही है। रशिया ने यूक्रेन के खेरसों क्षेत्र पर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में 23 दिन की एक नवजात बच्ची की मौत हो गई है। इसके अलावा 7 लोगों की भी जान चली गई है, एक ही परिवार के कई लोग इसमें मारे गए। ये हमला दोनों ही देश की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें अभी तक कई लोगों की जान चली गई है। अगली खबर ईरान से आई है, जहां पर ईरान के शिराज शहर में एक दरगाह पर गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में एक शख्स की जान भी चली गई है, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इससे पहले भी दरगाह को टारगेट बनाकर कई लोगों की हत्या की है और इस बार भी दरगाह को टारगेट बनाया गया है। पिछले साल अक्टूबर में इस जगह पर फिर से गोलीबारी हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इस बार भी जो फोटो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जिसने गोली चलाई थी उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरगाह पर गोली चलाने के निशान भी आप इस फोटो में देख रहे होंगे। अगली खबर लंदन से आई है, जहां पर लंदन का एक टीचर स्मिथ, जो कि भारतीय मूल के बच्चों को अपना टारगेट बनाने लगा था। ये भारतीय मूल के बच्चों को संपर्क करता था इंटरनेट के जरिए, डार्क वेब के जरिए उनसे बात करता था, लगभग 17 से 18 साल के बच्चों से बातचीत करता था, जिसके जरिए ये उन बच्चों को बोलता था कि तुम्हें मैं पैसे दूंगा, जिसके बदले तुम्हें 13 साल से छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करना है और उसकी वीडियो और फोटो उसको मेल करनी है। इस सिलसिले में बच्चों को लालच देता था पैसों का, जिसके जरिए बच्चे वीडियोस भेज भी रहे थे। फिर जब इसे गिरफ्तार कर लिया गया था पिछले साल ही, अब कोर्ट ने इसे 12 साल की सज़ा सुना दी है। जब इसे गिरफ्तार किया गया था उस दौरान भी ये भारतीय मूल के बच्चों से बातचीत कर रहा था और उनसे वीडियोस फोटोज़ के लिए ये बोल रहा था। फिलहाल अब इसे 12 साल की सज़ा सुना दी गई है। अगली खबर नॉर्थ कोरिया से आई है, जहां पर तानाशाह किम जोंग के एक आदेश की वजह से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये संभावना है कि वो अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। हाल ही में कई पिक्चर्स तानाशाह की सामने आई थी, जिसमें वो खुद हथियार चलाते हुए नजर आ रहे थे। अब उनका जो आदेश है वो ये कि अब हथियार और मिसाइल्स का प्रोडक्शन वो बढ़ाने जा रहे हैं। वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो युद्ध भी कर सकते हैं। इसके अलावा अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर वो किस देश को ये चेतावनी दे रहे हैं, किसके साथ वो युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। अगली खबर पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी इंजीनियर्स पर हमला किया गया, उनके काफिले पर ये हमला हुआ है, जिसके बाद 4 चीनी इंजीनियर्स की हत्या हो गई है। इस बात की पुष्टि खुद पाकिस्तान की एजेंसी ने की है कि उनके काफिले पर हमला हुआ था। ये दावा किया गया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कुछ आतंकवादियों ने इस काफिले पर हमला किया था। इससे पहले भी चीनी नागरिकों को इसका शिकार बनाया जा चुका है और अब भी यही हुआ और इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ जो पाकिस्तानी सोल्जर्स, जो आर्मी वहाँ पर मौजूद थी, उनकी सुरक्षा के लिए वो भी कई लोग इसमें घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई है। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।